कि जिस काबे को इब्राहिम ने नहीं बनाया, ये बिल्कुल नई बात कर रहा हूं, हैरान होगा ली, ये खाने काबा जनाब इब्राहिम ने बनाया नहीं, इसको रिनोवेट किया है, इसकी रिनोवेशन की है, इसकी तजीन की है, और कुरान ने इसका ऐलान किया है। वैजरफो इब्राहिम अल कवाद मिन अल बै व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका तस्समीन अली। और मेरे हबीब, अब समझना आपको है, मैं आयत का तर्जुमा करूंगा, इसमें कोई खिदावत नहीं चल सकती। और मेरे हबीब, याद करो वो वक्त, याद करो वो वक्त जब इब्राहिम और इस्माईल काबे की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। काबा था, सलावत भेज देना, बस आप समझ गए, ये काबा मेरी जान कहीं नहीं बना, इस काबे की कोई बुनियाद नहीं खुदी। किसी का नाम बताओ, किसने इसकी बुनियाद खोदी, किसने इसकी पहली ईंट रखी? नहीं बना। गलत, मुसलमान चक्कर काट के आ जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि काबा है क्या, इन्हें पता कैसे होगा जब इन्हें वारिस काबा ही का पता नहीं है, तो काबे का कहा? अब कुरान में गौर नहीं करते, ईमान बिल कुरान के कायल नहीं है अमली तौर पर। कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, चाहे बिनाई चली जाए पढ़ेंगे। अब बाबा गौर भी कर लिया करो, तदब्बुर भी किया करो कुरान पर, कहां लिखा हुआ इब्राहिम ने काबा बनाया? इब्राहिम ने काबा बनाया नहीं। इन्नी तरक्त मिन ज़ुर्रियती की वादी गैर अजीजारेन इंदा बैतकल मुहर्रम। जब जनाब इस्माईल पैदा हुए हैं और छोटे से थे, तो उनकी मां समेत इस बच्चे को इब्राहिम, कुरान में वाकया है कि पालने वाले में अपनी जुर्रियत में से इस बंजर सहरा जमीन में इंदा बैतकल मुहर्रम तेरे मुकद्दस घर के नजदीक इन्हें छोड़कर जा रहा हूं। तो इस्माईल जब बच्चे थे तो मुकद्दस घर था ना? आपने गौर नहीं किया? जानब सलाम सलाम तेरे बाबा ने बना। फैसला कुरान से हो गया कि काबा उस वक्त भी था जब इस्माईल पैदा नहीं हुए थे, तो फिर काबा इस्माईल और इब्राहिम ने कहां बनाया? काबा बना नहीं है, काबा नाजिल हुआ है कुरान की तरह। तवज्जो तवज्जो, काबा नाजिल हुआ है कुरान की तरह। और मिस्र की जामतुल अजहर के बड़े अजीम स्कॉलर ने यह जुमला लिखा है कि काबा किसी मेवार ने या किसी दुनियावी इंसान ने नहीं बनाया, यह आसमानों से मकाम महमूद से नूर की तरह नाजिल हुआ है। इसी तरह से ऐन मकाम महमूद पर और वादी मामूर पर आकर सेंटर ऑफ द वादी मामूर में जौफ़े काबा में यह काबा खेमे की तरह नस्ब हो गया है। इसके बाद हर दौर के अंबिया ने इस काबे को अपने अपने सलाहियत के मुताबिक रिनोवेशन करते रहे, लेकिन ये काबा आदम के साथ साथ ही जन्नत से नाजिल हो गया था। तो अगर आदम के साथ आदम जन्नत से जमीन पर आते हैं और आसमान नहीं फटता, वो जमीन पर पहुंच भी जाते हैं, तो काबा अगर आसमान को फाड़े हुए नूर की तरह जमीन पर आ गया तो ताज्जुब कैसा? सलावात दे देना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यह है काबे का नुज़ूल। बाबा से बलम सलावात भेजे तो फिर मैं अर्ज करूं।